बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तरह हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की हसीनाएं भी पब्लिकली स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हुए पकड़ी जा चुकी हैं। बिग बॉस से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली वीना मलिक भले ही आज दो बच्चों की माँ है और फैमिली के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रही हैं, लेकिन शादी से पहले उनकी लाइफ काफी कंट्रोवर्शियल रही है। वीना को कई मौकों पर सिगरेट और शराब पीते हुए देखा जा चुका है। जब चैट शो में शाहरुख की हीरोइन ने मांगी सिगरेट। शाहरुख की हालिया रिलीज फिल्म रईस से पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने बी टाउन में डेब्यू किया है। हालांकि विवाद के चलते वो फिल्म को इंडिया में प्रमोट नहीं कर पाई। वीजे से एक्ट्रेस बनी माहिरा चेन स्मोकर है। साल 2016 की शुरुआत में माहिरा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो TUC नामक चैट शो में एक्टर फवाद खान का इंटरव्यू ले रही थी। इस इंटरव्यू के बीच वो फवाद से कहती है, मुझे सिगरेट पीनी है। इस पर फवाद जवाब देते हैं, स्मोकिंग करना है तो बाहर जाकर करो। 2016 में रिलीज हुई फिल्म सनम तेरी कसम से बी टाउन में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस मावरा होकेन को पब्लिकली ड्रिंकिंग करते हुए देखा जा चुका है। एक प्राइवेट पार्टी में शराब पीने के बाद उन्होंने बेहद डांस किया था, जिसकी फोटोज वायरल हुई थी। 2014 में इमरान खान की फिल्म राजा नटवर लाल में नजर आई एक्ट्रेस हुमायमा मलिक भी स्मोकिंग करते हुए पकड़ी जा चुकी हैं। वो कई पाकिस्तानी फिल्में और टीवी शोज कर चुकी हैं। 2003 में टीवी शो तुम यही कहना से डेब्यू करने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा खान को भी सिगरेट की लत लगी हुई है। उन्होंने कई टीवी शोज के साथ वार, जवानी फिर नहीं आनी जैसी फिल्मों में भी काम किया है। मॉडल और एक्ट्रेस नौशीन शान ने कई टीवी शोज में काम किया है। नौशीन को कई मौकों पर सिगरेट और शराब पीते हुए देखा गया है। अफेयर्स को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली टीवी एंकर और होस्ट सना तारिक को कई मौकों पर सिगरेट पीते हुए देखा गया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और टीवी प्रेजेंटर सनम बलोच भी स्मोकिंग करती पकड़ी गई हैं। सनम ने सनम स्मॉल रूम और दियो जैसे पॉपुलर शोज होस्ट किए हैं। लाहौर की रहने वाली जर्नलिस्ट और एक्ट्रेस मीरा सेठी भी स्मोकिंग का शौक रखती हैं। वो मोहब्बत सुख का सितारा है और प्रीत न करियो कोई जैसे टीवी शोज में काम कर चुकी हैं। कराची की एक्ट्रेस आमना इलियास ने तुम मेरे पास रहो जैसे टीवी शोज से पॉपुलैरिटी बटोरी है। आमना भी सिगरेट की लत का शिकार है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में फंस चुकी पाकिस्तानी मॉडल और सिंगर अयन भी स्मोकिंग करती हैं। उन्होंने अर्थक्वेक, मेकिंग डॉलर्स फीट टिमो, यू एंड आई फीट एफ चार्म जैसे सिंगल गानों से पॉपुलैरिटी बटोरी है। सनी लियोनी को रियल लाइफ में हमेशा बोल्ड अवतार में देखा गया है, लेकिन रियल लाइफ में वो काफी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है। ये बात उनके पति डैनियल वेबर ने खुद बताई थी। MTV के स्प्लिट्सविला 8 के प्रमोशनल इवेंट के दौरान सनी और उनके पति डैनियल वेबर ने कई बातों का खुलासा किया था। सनी के पति डैनियल वेबर भी अडल्ट फिल्मों के स्टार रह चुके हैं। 2011 में दोनों की शादी हुई थी, लेकिन सनी आसानी से इसके लिए राजी नहीं हुई थी। सनी और डैनियल की शादी को करीब 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आंखों ही आंखों में इशारे वाला प्यार आज भी बरकरार है। डैनियल के मुताबिक, मैंने सनी को पहली बार लास वेगस के एक रेस्टोरेंट में देखा था। मैं वहां अपने बैंड के साथ शो करने गया था और सनी अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने आई थी। मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। सनी लियोनी के मुताबिक, उस दिन डैनियल मेरे पास आए और मेरा नाम पूछकर अपनी टेबल पर चले गए। उसके बाद जब भी मैं उस रेस्टोरेंट में जाती तो एक फूल का गुलदस्ता मुझे मिल जाता। डैनियल की यही अदा मुझे भा गई। सनी ने शादी के लिए हाँ इतनी आसानी से नहीं कहा था। वो बताती हैं, डैनियल हर सुख दुख में मेरे साथ रहे। हम जब मिले थे तब मैंने अपनी माँ को खोया था। मैं डिप्रेशन में थी, जिंदगी में इतनी निराश हो चुकी थी कि कोई भी लड़का मेरी हालत देखता तो शायद मुझे छोड़कर चला जाता, लेकिन डैनियल वहीं डटे रहे। 3 साल डेट करने के बाद हमने शादी कर ली। फिर मेरे पिता की मौत हो गई, तब भी उन्होंने ही मुझे संभाला। तो ये है सनी लियोनी की लव स्टोरी। बॉलीवुड फिल्मों में इंटीमेट सीन्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ऐसा टाइम था जब ज्यादातर सेक्स सीन्स बंद कमरे में ही देखने को मिलते थे, लेकिन अब समय के साथ साथ ये सेक्स सीन्स अनयूजुअल लोकेशंस पर भी दिखाए जाने लगे हैं। हम आपको ऐसे ही कई फिल्मी सीन्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें स्टार्स ट्रेन, कार, गार्डन, ओपन टेरेस और तो और शॉपिंग मॉल में इंटीमेट होते नजर आए हैं। खिलाड़ियों का खिलाड़ी, रेखा और अक्षय कुमार का इंटीमेट सीन कीचड़ में फिल्माया गया था। जाबाज, अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया के बीच घुड़साल में सेक्स सीन फिल्माया गया है। बेटा, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित दोनों को खेतों में इंटीमेट होते देखा गया। फिल्म राज, दीनो मौर्य और मालिनी शर्मा एक सीन में दोनों खुले आसमान के नीचे इंटीमेट होते देखे गए। जिस्म, फिल्म में जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु के बीच दूसरी कई एग्जॉटिक लोकेशंस पर दोनों की इंटीमेट केमिस्ट्री देखने को मिलती है। मर्डर,
इमरान हाशमी और मलिका शहरावत घर के टेरेस पे इंटीमेट होते नजर आए थे। सॉरी भाई, चित्रांगदा सिंह और शर्मन जोशी को एक शॉपिंग मॉल के चेंजिंग रूम में इंटीमेट होते दिखाया गया था। रेस, सैफ अली खान और बिपाशा बसु हॉर्स टेबल में इंटीमेट होते दिखे। ब्लड मनी, ऑफिस के अंदर कुणाल खेमू और मियां ओएदा को इंटीमेट होते दिखाया गया है। शुद्ध देसी रोमांस, सुशांत सिंह राजपूत और परिणीति चोपड़ा एक सीन में दोनों किचन में इंटीमेट होते दिखे। डर्टी पिक्चर, नसीरुद्दीन शाह और विद्या बालन ने एक कार के अंदर इंटीमेट सीन दिए। स्टैंड अप कॉमेडियन एंड होस्ट ऑफ कॉमेडी नाइट्स बचाओ कृष्णा अभिषेक वाइफ कश्मीरा शाह हैज शेयर्ड अ सीरीज ऑफ हॉट एंड सेक्सी पिक्स ऑन हर इंस्टाग्राम अकाउंट। कश्मीरा इज सीन ड्रेस्ड इन ब्लैक बिकिनी गिविंग हॉट सिजलिंग पोजेस। शी ऑल्सो गिव इंटरेस्टिंग कैप्शंस टू द पिक्स। इन वन पिक शी रोट, टुडे इज माय बिकिनी डे। कश्मीरा इज अनडाउटेडली लुकिंग टू हॉट, फ्लॉन्टिंग हर एसेट्स। बिंदास मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे हमेशा अपनी हॉटनेस को लेकर चर्चा में रहती हैं। एक बार फिर से पूनम का हॉट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में पूनम ने बताया है कि कैसे वो अपना वैलेंटाइन डे मनाने वाली हैं। इस वीडियो में पूनम पांडे अपने बेड पर सो रही हैं। उनको उठाया जाता है, बेड पर ही नाश्ता परोसा जाता है और उनको गुलाब से सजा एक गुलदस्ता दिया जाता है। इसके बाद पूनम पूरे दिन को कैसे एंजॉय कर रही हैं दिखाया गया है। पूनम अलग अलग जगह जाती हैं और घूमती हैं। पूनम ने इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पर वैलेंटाइन डे आउट विद पूनम पांडे के नाम से पोस्ट किया है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।